आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर में फिर से एक बार आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं माइटोकांड्रिया के बारे में। माइटोकांड्रिया क्या होता है, इसका संरचना किस प्रकार से होता है, माइटोकांड्रिया का हमारे बॉडी में क्या काम होता है, तो चलिए शुरू करते हैं। माइटोकांड्रिया शब्द ग्रीक भाषा के दो शब्दों माइटोस यानी धागा तथा कॉन्ड्रियान यानी कण से बना है, इसलिए माइटोकांड्रिया को सूत्र कण का भी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि माइटोकांड्रिया की खोज किसने किया था। इसको कोलकर द्वारा पहली बार कीटों के रेखित मांसपेशियों में देखा गया था। माइटोकांड्रिया शब्द सी बेंडा द्वारा दिया गया था। फ्लेमिंग ने माइटोकांड्रिया को फिला तथा आल्टमैन ने बायोप्लास्ट कहा। इसे कोशिकांग यानी सेल ऑर्गेनेल माना जाता है। माइटोकांड्रिया की संख्या की बात करते हैं। इसकी संख्या भिन्न भिन्न कोशिकाओं में भिन्न भिन्न होती है। जैसे अधिक उपापचय गतिविधि वाले कोशिका में माइटोकांड्रिया की संख्या अधिक होती है। आमतौर पर एक कोशिका में इनकी संख्या 1000 से लेकर 1600 तक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अनाक्षी श्वसन करने वाली कोशिकाओं और स्तनधारियों की वृद्धि आरबीसी में इनकी संख्या कम होती है। अब हम जानते हैं कि माइटोकांड्रिया की संरचना कैसी होती है, यानी स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकांड्रिया। आमतौर पर यह सॉसेज के आकार या बेलनाकार तंतुमय या छड़ जैसा होता है। इनका व्यास 0.2 से लेकर 1.0 माइक्रोमीटर और लंबाई 1.0 से लेकर 4.1 माइक्रोमीटर होता है। माइटोकांड्रिया एक दोहरी झिल्ली आबंधन संरचना है। इसमें निम्न घटक होते हैं। पहला, बाहरी झिल्ली यानी आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकांड्रिया की बाहरी झिल्ली प्रोटीन और फास्फोलिपिड की बनी होती है। इनमें फास्फोटिडिलिड कोलीन की मात्रा अधिक होती है। इनकी मोटाई 60 से लेकर 70 एंगस्ट्रॉम होती है। इनकी बाहरी झिल्ली द्वारा बहुत बड़े अणु का स्थानांतरण हो सकता है। इनमें बड़ी संख्या में धसे हुए प्रोटीन होते हैं, जिन्हें पोरिन कहा जाता है। पारी माइटोकांड्रियल अवकाश या माइटोकांड्रियल की दोनों झिल्लियों के मध्य 80 से लेकर 100 एंगस्ट्रॉम आकार का रिक्त स्थान होता है। भीतरी झिल्ली इनर मेम्ब्रेन। अब हम बात करते हैं भीतरी झिल्ली की। यह माइटोकांड्रिया की आंतरिक झिल्ली है, जिस पर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन की एंजाइम पाए जाते हैं। इस झिल्ली पर एटीपी संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। एटीपी का पूरा फॉर्म एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है। भीतरी झिल्ली यानी इनर मेम्ब्रेन की बाहरी सतह को सी फेस तथा आंतरिक सतह को एम फेस कहा जाता है। अब बात करते हैं इसकी संरचना में क्रिस्टी वाले भाग की। आंतरिक झिल्ली में कई उभार होते हैं, जिन्हें क्रिस्टी कहा जाता है। क्रिस्टी में टेनिस के रैकेट के समान संरचना होती है, जिसे F2 कण या ऑक्सीसोम या आंतरिक झिल्ली का उप इकाई यानी इनर मेम्ब्रेन सब यूनिट कहा जाता है। ऑक्सीसोम ATPase एंजाइम होता है, जो ऑक्सीडेटिव फास्फोरिलीकरण में भाग लेता है। माइटोकांड्रिया में एक प्रकार का संरचना पाया जाता है, जिसे अधात्री कहते हैं। आंतरिक झिल्ली से घिरे हुए स्थान में भरे द्रव को मैट्रिक्स के रूप में जाना जाता है, यानी इसे अधात्री या मैट्रिक्स दोनों कहते हैं। इनमें कुल माइटोकांड्रिया प्रोटीन का लगभग 2/3 भाग होता है। ये प्रोटीन में केब्स चक्र एंजाइम श्वसनकारी एंजाइम होता है। माइटोकांड्रिया के डीएनए के बारे में बात करें तो माइटोकांड्रिया डीएनए को अर्ध स्वायंत कोशिकांग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल कहा जाता है, क्योंकि उनमें माइटोकांड्रियल डीएनए उपस्थित होता है, जिनके कारण यह अपने प्रोटीन एवं एंजाइमों का निर्माण खुद कर सकता है। राइबोसोम तथा आरएनए की बात करते हैं। माइटोकांड्रिया में 70S राइबोसोम होता है, जो
50S व 30S उप इकाइयों में बना होता है तथा कुछ मात्रा में आरएनए पाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन कौन कौन से होते हैं। इनमें कोशिकीय श्वसन यानी सेलुलर रिस्पायरेशन होता है। इनमें एटीपी का संश्लेषण, एटीपी का भंडारण और परिवहन होता है। ये तीनों कार्य माइटोकॉन्ड्रिया में होने के कारण इसको कोशिका का शक्तिगृह यानी पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है। अब हम बात करते हैं माइटोप्लास्ट क्या होता है। यदि माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो इसे माइटोप्लास्ट कहते हैं। बाहरी झिल्ली को हटा देने पर भी माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर सकता है। दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि हमारे वीडियो को आप फर्स्ट बार देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।